नमस्कार, मैं मनीष द न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम आए हैं वृक्षाबाद के प्लेस, जो सिलेंडर यहाँ पे है, दो व्हीकल यहाँ पर नया आने को रहा है। तो इसका इनॉग्रेशन हमारे माननीय श्री कुलदीप राय जी, जो कि यहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्य हैं, उनसे चलिए बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये जो अभी दो ट्रक इनॉग्रेट किए हैं आपने, तो इससे बहुत बड़ा हेल्प मिल जाता है हमारे लोगों को, ताकि उनको सिलेंडर पहुँचने में ज़्यादा समय ना लगे। इस विषय में क्या? नहीं, देखिए, बेसिकली जो CCS है, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी, इनके पास में 54,000 कस्टमर्स हैं जिनको इनको सिलेंडर प्रोवाइड करना पड़ता है। तो वो हिसाब से इनके पास जो गाड़ी का कमी था, तो जो नया बोर्ड आया अभी, तो नया बोर्ड ने ये सोचा कि जब कस्टमर को सर्विस देना है हमको, तो उसके लिए गाड़ी का ज़रूरत है। तो नया बोर्ड ने दो गाड़ी कंस्ट्रक्ट किया है, और वो दो गाड़ी जो कंस्ट्रक्ट किया है, वो दो गाड़ी का आज हम लोगों ने यहाँ पे इनोवेशन किया है। इससे कि जो एंड यूज़र, जो कस्टमर है, जो भी LPG यूज़ करता है, उनको सुविधा हो सके। तो सर, ऐसा और भी कुछ कदम देखने को मिल सकता है, ताकि इंटरलैंड के लोगों को भी ऐसी सुविधा? नहीं, ये तो गाड़ी तो इंटरलैंड भी जाएगा। ये तो जहाँ जहाँ CCS का जहाँ जहाँ उनका डिस्ट्रीब्यूशनशिप है, ये गाड़ी वो हर जगह तक जाएगी। और ये क्योंकि गाड़ी नया है, तो ये गाड़ी ज़्यादातर भारी रह जाएगा। जो पुराना गाड़ी वो सिटी के अंदर में रहेगा, और नया गाड़ी बाहर जाएगा। और सर, जैसे कि जो कैंबल बे में लोग निवासियाँ वहाँ रहते हैं, जैसे कैंबल बे, जो बाकी इंटरलैंड के, जैसे बाहर का कैंबल बे हो गए, कमोटा हो गए, वहाँ पे भी कई सारी लोगों को सिलेंडर के लिए दिक्कतें आती है, तो इस विषय में आप क्या समाधान? देखिए, बहुत सही बात है, क्योंकि जो हमारे इंटरलैंड के जो लोग हैं, उनको बहुत तकलीफ़ पड़ता है सिलेंडर के, उनको टाइम में नहीं मिलता है। और मेरा पूरा प्रयास है, जब भी मेरे नॉलेज में चीज़ आता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको सिलेंडर किसी भी तरीके से पहुँचाया जाए। एक बात मैं कहना ये चाहूँगा, देखिए, क्योंकि इसमें एक टेक्निकल इशू ये है, क्योंकि सिलेंडर पहुँचाने के लिए इंटरलैंड में जो तकलीफ है, ख़ासतौर पर सदर्न ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में, वो ये है कि शिप का इशूज़ है, कि शिप का कमी है, ज़्यादा शिप नहीं है, क्योंकि ये LPG जो है वो एक्सप्लोसिव आइटम है, तो नॉर्मल शिप में आप इसे नॉर्मल कार्गो में नहीं लेके जा सकते, इसके लिए स्पेशल कार्गो का ज़रूरत है, कार्गो शिप का ज़रूरत है, परमिशन का। तो वो बहुत ही कम यहाँ पे है, कम होने के कारण ही हम लोग को ज़्यादातर वो जल्दी मिलता नहीं है शिप, इसलिए इसका डिले होता है। सर, कब तक ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है हमारे मोबाइल? देखिए, अभी तो इसमें तो और ज़्यादा नए लोग और भी लोग LPG एक्सप्लोजिव लाइसेंस वाला शिप, अगर कार्गो शिप लाएँ या गवर्नमेंट की तरफ से शिप्स आएँ, तभी इसका एक्सप्लोशन निकलेगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये शेयर करने के लिए। ये थे श्री कुलदीप राय शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि दो जो व्हीकल नहीं आई हुई है CCWS के द्वारा, जो गैस इंटरलैंड में भी पहुंचाएंगे, कई सारे लोगों जो उनको सिलेंडर मिलने में दिक्कत आ रही है, तो वो इस गाड़ी से उन्हें और थोड़ी सुविधा मिल जाएगी कि जल्दी ये पहुँच जाए। और जैसे कि उन्होंने बताया कि जो कैंबल बे वगैरह जो बाहर के हैं, हड बे, वहाँ पर ये पहुँचने के लेट हो रहा है, तो उसके लिए भी उन्होंने बताया कि जल्द से जल्द KDSS कुछ वेसल निकाले जो LPG वहाँ पर पहुँचाए, ताकि उन लोगों को भी इस परेशानी का हल मिले। वैसे ही खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए मैं मनीष आपसे विदा चाहूँगा। नमस्कार।